फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजाता। कोरल ड्रॉ जब ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से विंडो आपको दिखती है। तो इसको कैसे ओपन की जाती है उसके लिए आप देखेंगे स्टार्ट पर ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स में कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट X6 और यहाँ कोरल ड्रॉ X6 पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये प्रोग्राम डेस्कटॉप पर आ जाए तो इस पर राइट क्लिक करके एक लिस्ट ओपन होती है, उस पर सेंड टू, फिर यहाँ डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करते हैं, हमारा आइकन डेस्कटॉप पर आ जाएगा। तो आपको लॉन्ग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है कि स्टार्ट पर जाकर ओपन करना पड़े। अब जानेंगे कोरल ड्रॉ खुलने पर कुछ इस तरह से दिखता है। ये वेलकम स्क्रीन है जो आती है, जिसमें न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, कुछ रेडीमेड कोरल ड्रॉ आपको टेम्पलेट देता है, इसका यूज कर सकते हैं। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट में न्यू पेज ओपन होता है। आपने पहले कोई फाइल बनाई है तो यहाँ ओपन रिसेंट में दिखती है, और यहाँ पर ओपन अदर्स में जाकर आप अगर कोई और दूसरी फाइल खोलना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन हो जाएगी। अब ये आप ये चाहते हैं कि ये इस वेलकम स्क्रीन बार बार शो ना हो तो आप यहाँ ऑलवेज शो द वेलकम स्क्रीन एट लॉन्च इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको बार बार शो नहीं होगी, लेकिन ये इस पर क्लिक रहना है तो ये हमें बार बार शो होगी। तो अब यहाँ कोरल ड्रॉ ओपन होता है तो ये ब्लैंक पेज आपको ये दिखता है, और हमें समझना होगा कि कौन सी चीज कहाँ होती है, क्योंकि जब कभी काम करेंगे तो आपको स्पीड अप करने के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, उसके लिए फाइल मेन्यू में न्यू पर क्लिक करते ही एक क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है। हमें यह बताता है कि किस तरह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इसमें नेम डाल सकते हैं, यहाँ पर प्रीसेट डेस्टिनेशन अगर हमें वेब डिजाइनिंग करनी है तो यहाँ वेब चूज करेंगे। कोरल ड्रॉ डिफॉल्ट पर ही रहने देते हैं। यहाँ साइज दिया हुआ है, इसको अपन यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन दिया होता है, ये पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप, तो हम लैंडस्केप में अपना पेज लेते हैं। ये आपको मेजरमेंट दिया हुआ है, इसमें आप मेजर देख सकते हैं, इंचेस में लेना चाहे इंचेस में, मिलीमीटर्स में लेना चाहे मिलीमीटर्स में, तो हम यहाँ लेते हैं इंचेस में। जो भी आप यहाँ सेटिंग करेंगे वही डॉक्यूमेंट में आपको खुलकर आएगा। यहाँ नंबर ऑफ पेजेस दिए होते हैं, आपको एक पेज चाहिए, दो पेज, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी कलर मोड में आप देखेंगे RGB और CMYK, तो यहाँ CMYK रखते हैं क्योंकि प्रिंटिंग के लिए CMYK यूज़ होता है। रेजुलेशन 300 डिफ़ॉल्ट है जो अच्छी प्रिंटिंग के लिए होता है, तो यहाँ 300 रखेंगे। प्रीव्यू मोड हमें यह बताता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट रेडी किया है वो कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर इनहेंस सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी इनहेंस है तो यहाँ इनहेंस ही रहने देते हैं। उसके बाद ये कलर सेटिंग है, कलर सेटिंग में RGB प्रोफाइल ही रहने देते हैं और बाकी की जानकारी आगे जानते रहेंगे। और आप ये चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है बार बार ना ओपन हो तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं डू नॉट शो द डायलॉग अगेन। अगर आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये बॉक्स बार बार ओपन नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ क्लिक नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ओके करते हैं। जैसे ही ओके करते हैं हमारा एक न्यू पेज ओपन होकर आता है। ये देखिए न्यू पेज ओपन हो गया। अब हम यहाँ जानेंगे किस आइटम को क्या कहा जाता है। ये ऊपर जो फाइल एडिट व्यू ये दिया हुआ है, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में ये सारे मेन्यू दिए हुए हैं। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड बार, और ये वाला होता है हमारा प्रॉपर्टी बार। ये फाइल मेन्यू, फाइल एडिट व्यू लेआउट ये दिया हुआ है, ये हमारा है मेन्यू बार। उसके नीचे है हमारा स्टैंडर्ड बार, उसके नीचे हमारा ये है प्रॉपर्टी बार।
जैसे कि यह मेन्यू बार है, इसमें कई मेन्यू दिए हुए हैं। इस पर जिस मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलकर आती है जिसमें प्रोग्राम्स की कई श्रृंखला हैं। ये देखिए कई श्रृंखलाएं दी हुई हैं। जिस काम की हमें ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम मेन्यू में जाएंगे। जैसे कि टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट मेन्यू में जाएंगे, अरेंजमेंट के लिए अरेंज मेन्यू में जाएंगे और व्यू देखने के लिए व्यू मेन्यू में जाएंगे। ये प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार में जो भी ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट होगा, जैसे कि हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये सिलेक्ट हुआ है। ये देखिए चारों कोनों में एक पॉइंट दिख रहा है, इसका मतलब ये सिलेक्ट है। तो इसकी जानकारी हमें ये प्रॉपर्टी बार पे दी हुई है। कितना साइज है, क्या है, ये सारी जानकारी हमें यहाँ प्रॉपर्टी बार में दी होती है। ये है हमारा टूल बॉक्स। इसमें बहुत से टूल्स दिए हुए हैं। जिस भी टूल्स के साइड में नीचे एक त्रिकोण बना हुआ है, इसका मतलब है कि इसके अंदर और भी टूल्स छिपे हुए हैं। इसको ओपन करने के लिए ये त्रिकोण पे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये हमारे जितने भी छिपे हुए टूल्स हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं। जिस भी टूल्स को लेना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये हमारा सिलेक्ट हो गया। ये हमारा स्टेटस बार है। इसमें ये बताता है जो भी ऑब्जेक्ट अपना सिलेक्ट है उसमें ये कौन सा कलर है, उसमें आउटलाइन है और उसमें कितनी लेयर्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं, वो सारी जानकारी हमें यहाँ दी हुई होती है। ये हमारा कलर पैलेट है। कलर पैलेट में एक रो होती है, दो रो भी होती है और तीन रो भी होती है। आप जिस रो में लेना चाहें आप उसको ले सकते हैं। यहाँ ऊपर ये त्रिकोण बना हुआ है, इस पर क्लिक करते ही कलर पैलेट की विभिन्न जानकारियाँ हमें मिलती हैं। यहाँ रोज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कलर की एक रो, दो रो, तीन रो, हम यहाँ थ्री रोज पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे कलर थ्री रो में शो होने लगे। इन सब की डिस्क्रिप्टिव जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। अभी हम जान रहे थे कौन सी चीज़ कहाँ पर है और क्या कहते हैं। ये हमारा रूलर है, ये हमारे रूलर है, इनको बोलते हैं रूलर। ये अप एंड डाउन और लेफ्ट टू साइड होते हैं, दोनों तरफ दिए होते हैं। इस रूलर को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इस रूलर को बोलते हैं वर्टिकल। इन सब की सेटिंग की जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। अभी तक हमने जितना जाना वो शो कैसे होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है इस पर राइट क्लिक करते हैं तो ये जहाँ पर टिक लगे हुए हैं राइट के, इनका मतलब है ये सारी चीज़ें यहाँ शो हो रही हैं। जैसे कि मेन्यू बार, मेन्यू बार पर अगर क्लिक करते हैं तो ये मेन्यू बार गायब हो गया। फिर यहाँ ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करते हैं और मेन्यू बार पर क्लिक करते हैं, ये हमारा मेन्यू बार शो हो गया। फिर यहाँ राइट क्लिक करते हैं और यहाँ स्टैंडर्ड बार, ये देखिए हमारा स्टैंडर्ड बार गायब हो गया। फिर यहाँ क्लिक करते हैं और स्टैंडर्ड बार पर क्लिक करते हैं, ये शो होने लगा। इसके अलावा ये हाइड, ये जो मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड बार शो विजिबल और अनविजिबल हो रहे हैं, इसकी जानकारी आपको यहाँ विंडो मेन्यू में जाकर, टूल बार्स में जाकर भी दी हुई है। अब यहाँ से भी इनको विजिबल और अनविजिबल कर सकते हैं। इस तरह आपने जाना इंटरफेस क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है। आशा करती हूँ आपको यह समझ आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जानेंगे। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।